हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए आप लोगों को अब मैं बता दूं, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे अपनी अपनी दिवाली, बहुत अच्छे से तैयार हुए होंगे। आज नरक चतुर्दशी है तो आप लोगों ने नहाया होगा अच्छे से, स्नान किया होगा। नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, ब्यूटी पार्लर चले जाएं, घर पे उबटन लगा लें, हेयर पैक लगा लें, अच्छे से रेडी हो जाना है आज आपको फ्रेंड्स, क्योंकि फिर कल हम दिवाली की पूजन करेंगे। मैं विधि नहीं बताऊंगी आप लोगों को। चलिए तो दिवाली पे देखिए, दिवाली बस आई गई है दोस्तों। आज हमको तैयार कर लेना है, सब सामान रेडी कर लें सब, ताकि कल कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। अमावस्या को होती है दिवाली, और दीपावली भी बोलते हैं इसको। महालक्ष्मी जी भ्रमण के लिए निकलती है, रात को सैर करती है धरती की। और ऐसा माना जाता है कि जिन जिन का घर बहुत चमकदार होता है, सुंदर होता है, वहां वहां माता लक्ष्मी आती है, प्रवेश करती है। दोस्तों देखिए, इसके पीछे कथा ये है दिवाली की, कि राजा राम वनवास समाप्त होने की खुशी में अयोध्या वासियों ने कार्तिक अमावस्या की रात में घी के दिए जलाकर उत्सव मनाए थे। तभी से हर साल दिवाली का पर्व मनाया जाता है, और इसका वर्णन बहुत सारे पुराणों में किया गया है, विष्णु पुराण आदि में किया गया है। देखिए, माता लक्ष्मी जी जब धरती पे भ्रमण करती हैं, तो ऐसा माना जाता है लोगों को वैभव का आशीष देती हैं। गणेश जी के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए गणेश जी की भी पूजा करते हैं हम, आपको ये पता होगा। और हमको इस दिन दीप दान करना होता है। दीप दान, मुझसे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं दीप दान होता क्या है। दोस्तों, दीप दान का मतलब दिए पूजना ही होता है। दिवाली के दिन ये जो 5 दिन होते हैं ना, दीप दान करते हैं, मतलब दिए पूजते हैं हम, दिए को रख के पूजन करना, उसको दीप दान कहा जाता है। और देखिए, नारद पुराण के अनुसार इस दिन मंदिर, घर, नदी, बगीचा, वृक्ष, गौशाला, बाजार, कहीं पे भी आप दीप दान करें, मतलब जाके दिया जलाएं मंदिरों में या कहीं पे भी, और श्रद्धा पूर्वक, घर पे तो करना ही है आपको, श्रद्धा पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो ऐसा माना जाता है फिर ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। दोस्तों, इस दिन आप गाय की सींग को रगड़ के उनको अन्न और घास खिलाएं और उसकी फेरी लें तो बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, बहुत सुंदर है हमारा त्योहार दोस्तों। सारी देवी देवताओं की विशेष पूजा अर्चना करनी है हमको उस दिन सुबह सुबह उठ के, और ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि, बुद्धि, शांति और तरक्की आए। दिवाली की पूजा के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए वो मैं बता देती हूँ आपको। पूजा के लिए आप घर में होता है यूजुअली सब सामान, पर देखिए बाहर से आपको लाना है लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति, मूर्ति या फोटो, या चांदी के गणेश जी, लक्ष्मी जी, आप जो भी चाहें, रोली, कुमकुम, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, अगरबत्ती, मिट्टी और तांबे का दिया। मिट्टी के दिए तो चाहिए आपको, आप तांबे का एक दिया रख सकते हैं अगर आपको अलग से घी का लक्ष्मी माता को चढ़ाना है तो। रुई मोली वो बनाने के लिए, बत्ती बनाने के लिए, कलावा या मोली, मोली जो बोलते हैं ना, नारियल, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, फल, फूल, जौ, गेहूं, दूर्वा, दूब है, गणेश जी को दूब चढ़ेगी, दूर्वा दूब, चंदन, सिंदूर, घी, पंचामृत, पंचामृत का सारा सामान आपको ले लेना है, मेवे, खील, बतासे, गंगाजल, जनेऊ, सफेद वस्त्र, लाल वस्त्र, इत्र, चौकी, कलश, कमलगट्टे की माला, शंख, आसन, थाली, चांदी का सिक्का, और मिठाई जो आप भोग लगाना चाहे दोस्तों, वो मिठाई आपको लेनी है। ये तो हुआ दोस्तों क्या क्या आपको सामान चाहिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैसे आपको पूजन शुरू करना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले पूजा के लिए आपको चौकी तैयार करनी है, और सबसे पहले दोस्तों चौकी पे आपको एक सफेद कपड़ा बिछाना है। वो सफेद कपड़े पे लक्ष्मी माता, गणेश जी, और अगर आप सरस्वती माता या अपने इष्ट देव के चित्र को लगाना चाहते हैं तो उनको विराजमान करें सफेद कपड़े पे। गणेश जी को कैसे विराजमान करना है दोस्तों, गणेश जी कैसे बनेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। सुपारी से आपको गणेश जी बनाने हैं।
एक सुपारी लेके इसको अच्छे से उसको धो लें, मतलब साफ कर लें, स्नान जैसा करा लें। उसके बाद सुपारी को मोली में बांध लें। मोली से बंधी सुपारी को चांदी, तांबा या अन्य किसी भी धातु से बने हुए बर्तन में रखना है। इसके बाद उस पे गंध यानी सुगंध इत्र जो है वो थोड़ा सा चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, और ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणपतये इहा गच्छा इहा तिष्ठ मम पूजम गृहा, ये मंत्र का आपको उच्चारण करना है फ्रेंड्स। इसके बाद गणेश जी पर अक्षत अर्पण करें और गणेश जी का ध्यान करें, गणेश जी की पूजन। सबसे पहले हम गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो क्या किया हमने, गणेश जी कैसे बनाया, सुपारी पे मोली लपेट के उसको बर्तन में रख के उसपे गंध अक्षत और सब फूल फल ये सब डाल के उनपे थोड़ा सा सिंदूर डाल दें, लाल फूल डालें, थोड़ा धूप चढ़ाएं। इस तरह से सब चढ़ाने के बाद हम मंत्र का पाठ कर रहे हैं। मंत्र क्या बोल रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणपते इहा गच्छा इहा तिष्ठ मम पूजम गृहा। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करें, ध्यान बिल्कुल हाथ जोड़ के बहुत अच्छे से। जिनको नहीं मंत्र समझ आता है या कुछ आता है, सिर्फ हिंदी में या अपनी लैंग्वेज में बोलें, हे गणेश जी महाराज मैं आपकी पूजा करती हूँ, प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए। ऐसे आपको बोल लेना है अपने अपनी भाषा में। और जो लोग मंत्र कर सकते हैं उनके लिए मैं मंत्र बताती हूँ, भूर्भुवः स्वः श्री गणपते इहा गच्छा इहा तिष्ठ मम पूजम गृहा। इसके बाद गणेश जी का आगमन स्वागत करें, उनके आगमन का स्वागत करना है, मन में ऐसा भाव करें कि गणेश जी आ गए, उनका स्वागत करना है। इसके बाद लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले लक्ष्मी जी का ध्यान करें, लक्ष्मी जी का आह्वान करना है हमको। आवाहन के लिए क्या बोलना है, हिंदी में नॉर्मल अपनी भाषा में बोले तो, हे माता लक्ष्मी प्लीज आइए, आप हमारे घर में आके विराजमान होइए, ऐसे बोलना है। और नहीं तो मंत्र अगर आप उच्चारण करना चाहते हैं तो बोलिए, आग अच्छा देवे देवेशी तेजोमयी महालक्ष्मी क्रिया मणम माया पूजाम गृहाम सुरवंदिते। क्या बोलना है, आग अच्छा देव देवेशी तेजोमयी महालक्ष्मी क्रियामणम माया पूजाम गृहाम सुर वंदिते। इस मंत्र का आपको उच्चारण कर करके माता का आवाहन करना है फ्रेंड्स। लक्ष्मी माता का आवाहन करने के बाद दोनों हथेलियों को जोड़ के हाथ प्रणाम करके लक्ष्मी जी गणेश जी को फूल चढ़ाएं और मिठाई अर्पित करें। देखिए लक्ष्मी माता का ध्यान करते रहना है आपको पूरे टाइम, जितने टाइम आप पूजा करेंगे। श्री लक्ष्मी देवी देम स्वागतम, इस मंत्र का उच्चारण करके माता का स्वागत करें और पूजन शुरू करें। दोस्तों देखिए पूजन अब कैसे करना है आपको, आपको अब कलश की स्थापना करनी है, ठीक है। चौकी पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति ऐसे रखनी है कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में हो, यानी ईस्ट या वेस्ट की तरफ हो। वेस्ट क्या होता है, आपका मुंह ईस्ट की तरफ होना चाहिए और गणेश जी और भगवान का मुंह वेस्ट की तरफ होना चाहिए। हमें मूर्तियों के सामने बैठना है और जहां पे हमने अभी मूर्तियां स्थापित की उसके आगे एक पाटा रखना है और उसपे लाल कपड़ा हमको बिछाना है। अब हम उस पे कलश स्थापित करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। कलश को लक्ष्मी जी के पास एक चावल की ढेर बना के रख दें और नारियल को लाल वस्त्र में ऐसे लपेटना है कि नारियल का ऊपर का भाग दिखता रहे। और इसको इस नारियल को आपको कलश पे रख देना है। यह कलश वरुण देवता वरुण है, उनका प्रतीक होता है। इसके बाद उसके सामने आपको दो बड़े दिए रखने हैं, एक चौमुखा दिया, अगर आपके घर पे चौमुखा जलाते हैं तो एक चौमुखा दिया रखना है और एक बड़ा दिया रखना है सिंगल प्लेन वाला। एक दीपक को चौकी के राइट साइड में रख दें और दूसरा दीपक मूर्तियों के पांव में चरणों में रख दें। इसके बाद इसके अलावा भी अगर आप दीपक रखना चाहते हैं गणेश जी के पास सेपरेट जलाना चाहते हैं तो एक दिया आप गणेश जी के सामने रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मूर्तियों वाली जो चौकी है उसके सामने छोटी चौकी रखनी है और उस पे लाल कपड़ा आपको बिछाना है। कलश
की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पे नवग्रह के प्रतीक की 9 ढेरियां बनाएं। देखिए अब आपको षोडश मातृका और नवग्रह बनाने हैं, तो जो लाल कपड़ा आपने बिछाया है उस पे चावल से छोटे छोटे वो बना लें आप, ड्रॉप्स, चावल लेके छोटे छोटे ड्रॉप्स बना लें 9, ठीक है, 9 ढेरी, छोटी छोटी ढेरियां बनानी है, ऐसे नहीं बहुत बड़ा सारा, छोटी छोटी ड्रॉप्स बना लें गणेश जी की। और चावल गणेश जी की ओर आपको गेहूं से 16 ढेरी बनानी है, ठीक है, गेहूं ले लें उससे 16 वैसे छोटे छोटे ड्रॉप्स बना लें, स्क्वायर, 4 ऐसे 4 ऐसे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप लोग गणेश जी लक्ष्मी जी का पन्ना लगाते हो तो आप पीछे जहाँ पे पूजन आपने मूर्ति स्थापित किया है उसके पीछे गणेश जी और लक्ष्मी जी का पन्ना लगा लें। पन्ना कुछ लोग घर पे भी बनाते हैं और जो पूजन सामग्री की आप पैकेट लाएंगे उसमें भी मिलती है, सेपरेट भी आता है गणेश जी लक्ष्मी जी का पन्ना। अगर नहीं लगा सके या नहीं है तो कुछ उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्तियों का पूजन करें। तो दोस्तों हमने क्या क्या किया, हमने सुपारी से गणेश जी बनाए, गणेश जी लक्ष्मी जी को स्थापित किया, कलश स्थापित किया, अब हम दोस्तों नवग्रह मांडा हमने, नवग्रह और षोडश मातृका की स्थापना कर ली। अब दोस्तों आपको पूजन स्टार्ट करना है। देखिए बहुत सारे मंत्र होते हैं वो मैं बोल बोल के आपको करते जाऊं आप लोग परेशान हो जाएंगे, देखिए आम आदमी के बस की नहीं है, या तो आप किसी पंडित जी को बुला लें या फिर आप बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, आज मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। इसके बाद आप लोगों ने जो जो स्थापना की है सब जगह रोली चावल उनसे टीका चावल अच्छे से कर दें, सबको सुगंधित पुष्प चढ़ाएं, इत्र है आपके पास तो इत्र से छोटी छोटी रुई कॉटन रुई में छोटा छोटा कॉटन रुई तोड़ लें, उसमें थोड़ा थोड़ा इत्र लेके सबको चढ़ा दें। किन किन को चढ़ाना है, दीप को चढ़ाना है, गणेश जी लक्ष्मी जी कलश षोडश मातृका नवग्रह सबको आपको अच्छे से पूजन कर लेना है, थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाएं, थोड़ा तिलक करें, रोली चावल मोली आपने जो कील बताशे लिए होंगे वो थोड़ा थोड़ा चढ़ाना है, आपकी पूजन सामग्री की पैकेट में आई होगी या फिर आपने रखे होंगे थोड़े सूखे में भी वो चढ़ाना है, पान के पत्ते अगर अवेलेबल हों आपको दोस्तों तो पान सुपारी लौंग, पान के पत्ते पे एक एक लौंग एक एक सुपारी रख के वो चढ़ाना है आपको। इसके बाद ये तो हो गई नॉर्मल पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, अब हमको दियों की तैयारी कर लेनी है। फ्रेंड्स हमने जो प्लेट में अलग से दिए सजाए होंगे 11 21 51 100 जो भी आप चढ़ाते हैं, जो लोग नहीं भी चढ़ाते हैं ये ध्यान रखें दियों को हर साल बढ़ाना नहीं है, हर साल उतने ही दिए पूजने हैं, तो अगर आप पहली बार पूजने जा रहे हैं तो मैक्सिमम आप 11 दियों के साथ शुरू करें, मेरी सजेशन होगी, बाकी आप लोग की अपनी मर्जी है, आप जितने दियों से पूजा करना चाहें इट इज सोलली योर चॉइस। सभी दीपों को आप प्रज्वलित कर लें, अब एक एक करके सारे फैमिली मेंबर्स इस दिए की पूजा करेंगे, सबसे पहले सबके माथे पे तिलक कर लें फ्रेंड्स, हाथ में कलावा बांध लें और उसके बाद पूजन शुरू करना है। जैसे आप लोगों ने गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजन की वैसे दियों को पूजना है। अब दीपदान भी बोलते हैं इसको दोस्तों, लोग बार बार पूछते हैं दीपदान क्या होता है, दियों की पूजा करना इसको दीपदान कहते हैं, तो दीपदान करें अब दोस्तों, सब लोग एक एक करके आए, सारे दियों को रोली मोली फूल पताशे कील ये सब के साथ सब चढ़ा दें उस पे थोड़ा थोड़ा करके और श्रद्धा से, उसके बाद प्रार्थना करें, महालक्ष्मी की प्रार्थना करें, विष्णु भगवान की प्रार्थना करें और गणेश जी की प्रार्थना करें, कुबेर भगवान अगर आप स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं या और ज्यादा धन की आपकी इच्छा है तो कुबेर भगवान का ध्यान आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स दोस्तों ध्यान रखें, सबसे पहले आप गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन करें, उसके बाद कलश दिया षोडश मातृका नवग्रह सबकी आपने पूजा करी, इसके बाद जो प्रतिमा के आगे आपने 7 11 या 21 दिए जलाए उनकी पूजन करें, और अगर आपके घर पे माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तो वो चढ़ा दें, उसके बाद भोग लगा करके आपको आरती करनी है, आपने जो भी मिठाई मंगाई है भोग लगाने के लिए उसका भोग लगाएं, श्रद्धा चित्त होकर भोग लगाएं फ्रेंड्स, और उसके बाद महालक्ष्मी की आरती करें।
दोस्तों, आप अगर मंत्र पाठ में विश्वास करते हैं और करना चाहते हैं तो इस दिन बहुत शुभ होता है। श्री सूक्त का आपको पाठ करना है, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना है और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है आपको। इस तरह से पूजा आपकी पूर्ण होती है। इसके बाद सभी पूरी फैमिली वाले मिलके क्षमा प्रार्थना कर लें। पूजा पूर्ण होने के बाद माता से जाने अनजाने हुए सभी भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। उनसे कहें, हे माँ, ना तो मैं आवाहन करना जानता हूँ या जानती हूँ, ना विसर्जन करना, पूजा कर्म भी मैं नहीं जानता। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा कीजिए। मंत्र, क्रिया और भक्ति से रहित जो भी पूजा मैंने की है, हे देवी, वो मेरी पूजा संपूर्ण हो। यथासंभव प्राप्त उपचार वस्तुओं से जो मैंने पूजन किया है, उससे आप महालक्ष्मी, श्री लक्ष्मी प्रसन्न हो और मुझे फल दें। ये करना है दोस्तों। गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती आप सेपरेट वीडियो में पा सकते हैं। कनक स्तोत्र, लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ भी आपको सेपरेटली मिल जाएगा। दोस्तों, ये हुई पूरी पूजन विधि। इसके बाद आप सभी को धोख खा करके जो दिया आपने पूजे हैं उसको मेन गेट पे, अपनी बालकनीज में, अपने बेडरूम में, पूजा रूम में, सब जगह उसको सजा देना है। दोस्तों, पूजन करने के बाद जो भी दीप आप रखें, ध्यान रहे दीप का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और ये ध्यान रखें दोस्तों, पूजा करने के बाद सभी बड़ों को चरण स्पर्श जरूर करें। आपके जो इष्ट देवता हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी बड़ों का, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। इस दिन बुजुर्गों से जुबान नहीं लड़ानी है आपको। ये हुआ तरीका आपके घर में दीपदान का। पूजन विधि हुई आपकी लक्ष्मी पूजन की। दोस्तों, प्रेम से आरती कीजिए, प्रेम से पूजन कीजिए और माँ लक्ष्मी को इस बार मना लीजिए। कोई भी क्वेश्चंस हो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे मुझे मेल कर सकते हैं और मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज भी कर सकते हैं। भूल चुक कोई हो जाए फ्रेंड्स, टेंशन नहीं लेनी है। जाने अनजाने जो भी होता है उसकी कभी भी देवी देवता हमको हमारे पनिश नहीं करते। वो हमारे माता पिता स्वरूप हैं। इसलिए कुछ लोग टेंशन लेते, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, वो नहीं करना है आपको। दोस्तों, सभी पूजन सामग्री आज आपको रेडी कर लेनी है ताकि कल आप टाइम से पूजन कर सकें। टेक केयर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करके रखें फटाफट फटाफट, और भी वीडियोज अपकमिंग है। छोटे छोटे वीडियोज अपडेट करती रहूंगी।